राजनीतिक विरासत की बात हो या संस्कृति की बात हो या प्रतिभा की बात हो, अगर किसी स्टेट का नाम सबसे पहले आता है तो वो है बिहार। नमस्कार, IBN9.live में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोशन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोर से है और यही वो वक्त है जब आप अपने विधायक से 5 सालों का हिसाब मांग सकते हैं। इस वक्त मैं बिहार के भोजपुर जिले में हूँ और हमारे साथ हैं आरा के विधायक डॉक्टर अनवर आलम जी। अनवर आलम जी, IBN9.live में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार चुनाव की तैयारी किस स्तर पे है, क्योंकि इस बार का चुनावी एजेंडा बिल्कुल अलग है। इस बार चुनाव में कोई रैली नहीं है, किसी तरह का जनसभा नहीं है, तो इस बार का चुनाव आपके लिए किस लेवल का है और आपकी तैयारी किस लेवल की है? देखिए, तैयारी वो करता है जो कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आता है। मैं आरा के जनपद का, मैं यहीं पढ़ा, यहीं लिखा और संयोग से एक किसान के बेटा होने के नाते गांव गाँवी से आने वाला लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैं जो है विधायक बना। तो मैं जो है आरा के जो पृष्ठभूमि है, आरा का जो मैप है, उसको मेरे दिमागों के हर कोने में जो है एक एक इंच बसा हुआ है। और इसलिए मैं जब से जो है अपना जो है पाँच का हमको जनता ने आशीर्वाद दिया 5 साल के लिए, तो मैं उनके आशीर्वाद को स्वीकार करके मैं अपने को एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि आरा का बेटा और भाई बनकर 5 साल जो है, चाहे एक छट्ठी हो, श्राद्ध हो और चाहे जन समस्याओं हो, जिसके लिए विधायक की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है सदन, और सदन में जो है आप जो किसी विधायक को चुन कर भेजते तो विधायिका काज में वो कितना जो है सक्षम रहा, कितना अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से सदन में रखा, उन सवालों को जो है उसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि मैं अपनी जो है भूरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन और उसमें विश्वास भी मैं नहीं रखता, लेकिन 5 वर्षों में अनवर आलम ने सदन के पटल पर जब भी सदन चला है तो अनवर की आवाज़ जरूर जो है, चाहे 0 आवर में हो, चाहे ध्यान आकर्षण में हो, चाहे तारांकित हो, चाहे आपके निवेदन हो, चाहे याचिका हो, चाहे अल्पसूचित प्रश्न हो, उन तमाम बिंदुओं पर जो फोरम है विधायिका काज को काम करने का, उस सवालों पर आरा की जन समस्याओं, चाहे निगम का मामला हो, चाहे किसानों के सवाल का मामला हो, चाहे आरा जनपद के बदहाल अस्पतालों का मामला हो, मैं पहला विधायक हूँगा कि लास्ट जो प्रतिवेदन विधानसभा का प्रस्तुत हुआ उसमें मेरा जो है प्रतिवेदन जो है 4 पूरे बिहार में प्रतिवेदन अतिक्रमण पर आया है, 3 आरा का है। यहाँ की चर्च की जमीन हो, चाहे बीबीजान का मामला हो, चाहे जैन समाज के जल मंदिर का मामला हो, ये मेरा सदन के प्रतिवेदन पर प्रस्तुत हुआ, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जितने माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि आप पहला विधायक होंगे जो सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है, उसमें आपके 3-3 सवाल जो है अतिक्रमण के और ज्वलन समाज, हर समाज के बिंदुओं को छूने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है, चाहे जल निकासी का मामला सबसे बड़ी समस्या थी आरा में, जब मैं चुनाव जीता तो मेरे सामने एक ही नक्शा नजर आ रहा कि आरा के जल जमाव को कैसे ठीक किया जाए। मैं 30/1/2017 को मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक थी, हम लोग अलायंस पार्टनर थे उस वक्त, उनके सामने ही मामले को लाया कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जल समस्या, और उसके लिए 167 करोड़ का प्रोजेक्ट गली गली मैं घूमकर, विधायक होकर गली गली घूमा, उसका DPR बनवाया और बनवाने के बाद यहाँ के DM से उसको अप्रूव कराया, परा कराने के बाद कैबिनेट में भेजा और लगातार सदन में मेरा जो सबसे बड़ा विधायक का अस्त्र होता है गैर सरकारी संकल्प, उस माध्यम से 2-3 बार सवालों को दागने का काम किया। मंत्री ने सदन में फुटेज में कहा, जो मेरे पास अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि राशि उपलब्ध होगी तो आउटफॉल नाला, जो ड्रेनेज की समस्या है आउटफॉल नाले का, वो अगर बन जाए तो शहर में एक बूंद पानी नहीं लगेगा। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पहला आरा शहर है जहाँ की तमाम रोडें, लगभग 8-9 रोड जो है, सब जो है नगर निगम की है। और ये हम ताजुब करते कि लगातार यहाँ के कैबिनेट मंत्री रहे, चाहे डॉक्टर ईसा साहब हुए, चाहे अब्दुल मालिक साहब हुए, चाहे आपके जो है अमरेंद्र बाबू, कैबिनेट से भी बड़े ये उप सदन के जो है DPSP थे, वो जिस मंत्री को बुलाते यहाँ का अप्रूव होता। लेकिन क्या कारण रहा कि नगर निगम की रोड जो PWD में ट्रांसफर नहीं,
आज जो एक एक रोड जर्जर बनी हुई है, अब हमसे लोग सवाल करेगा कि पहले मेंटेनेंस कैसे होता था। पिछले 5 साल पहले शहर की जो है मुख्यमंत्री शहरी विकास जो है योजना से सड़क की मरम्मती होती थी डूडा के माध्यम से, वो बंद हो गई। वो पिछले 5 वर्षों में बंद कर दिया गया। पूरा जो है मामला नगर निगम को पहुंच गया और नगर निगम वो बोर्ड की बैठक में फैसला लेता है। हम वहां के आमंत्रित सदस्य होते हैं। हम सवालों को अगर जो है उन सवालों को रखते हैं, आज वही सवाल का नतीजा है कि यहाँ जाँच होता है कि एक एक योजना को चार चार बार पेमेंट किया, जिसमें केपी सिंह पर विजिलेंस का केस चल रहा है, जो उन पर जांच बैठा। उसी तरह से आपको बता दें कि इस शहर का जो भी है 60 लाख रुपया, पूरे 60 लाख रुपए पर मंथ सफाई के नाम पर खर्च होते हैं, लगभग 7.5 करोड़ रुपया पर ईयर। आप बताइए कि वो जो है, हम तो ये कलेक्टर के सामने बैठक में, प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक में, और माननीय यहाँ के जो मंत्री हैं, हम लोगों के गार्जियन तुल हैं आर के सिंह, उनके सामने भी लिखित रूप में हमने देने का काम किया कि आप इन समस्याओं को गंभीरता से विकास करके इसकी समीक्षा किया जाए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर जो आदमी सफाई के नाम पर काना कट्टी का था, आप देखिए शहर डूब रहा था, तो हम लोग जो है गली गली लुंगी पहन के हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, यही एमपी बाग डूब रहा था। जी जी, आप देख रहे होंगे कि 15 नंबर वार्ड पकड़ी, 11 नंबर वार्ड से लेकर चले जाइए धरारा तक, आप चले जाइए पूरा जो है ना आप वलीगंज डूब रहा है। तो ये इसका कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कहता है लोग कि नगर जो है तमाम घरें जो है तरी में बसा हुआ है, तो तरी में बसा तो इसके लिए जो नक्शा पास होता है नगर निगम के द्वारा, कैसे नक्शा पास हुआ जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया, तमाम चीजें नहीं दी गई, तो वो मकान कैसे बन गया नदी के छोर पर? तो ये जिम्मेवारी तो नगर निगम लेगा, वहां के वार्ड काउंसिलर लेंगे, क्यों नहीं बना? इसलिए इन सवालों को रखते हैं तो लोग जो है कहते हैं कि विधायक जी इन सवालों को रखते हैं, लेकिन हम अपनी वेदना से, हम इसलिए कि जनता की अदालत में जनता ने हमें बहुत भरोसा से चुना था और उसी का नतीजा है। आप एनएच की रोड देख रहे होंगे बिहारी मीर, वो टूटी हुई थी, वहां का एक सुशील टाइगर जो है छात्र नेता हमको टेलीफोन करता, भैया यहाँ लोग रोज गाड़ी गिर रहा है। हम वहाँ पहुँचते हैं, स्किटूजर को लेकर पहुँचते हैं, रोड़ा भरवाते हैं, फिर प्रधान सचिव से मिलते हैं, वहाँ के मंत्री को मिलते हैं। आज नतीजा है कि वहाँ तमाम जो है बाजार समिति हो, चाहे आपको जो है बिहारी मिल हो, चाहे आप चले जाइए पुरवारी गुमटी हो, चाहे आप महिला थाना हो, ये तमाम बिंदुओं को अनवर आलम में हर सदन में छूने का काम किया है, उठाने का काम किया, जो मेरी जिम्मेवारी थी। हम यहाँ के कस्टोडियन होने के नाते हर बिंदुओं को बाखूबी जो है सदन के पटल पर और जहाँ मेरा फोरम है वहाँ उठाने का काम किया है, और यही नतीजा है कि कुछ काम लगा, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हम आरा को एक सुंदर शहर देखना चाहते हैं, स्वच्छ शहर देखना चाहते हैं। रमना मैदान में पानी लगता है, इस सवाल को हम माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री के सामने रखते हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है। विधायक किसी बात को सवालों को रखेगा, उसको अमली जमा पहनाना सरकार का काम होता है, और वो सरकार में बैठे लोग जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। जहां खोजिए इन सवालों को। अभी हम गए थे आंगनबाड़ी सेविका, रो रही है, इंदिरा आवास के नाम पर लूट मचा हुआ है, जल नल योजना जो बना है वो समझिए लूट का अड्डा बना हुआ है। ये सदन के पटल पर मैंने रखा है, कोई हम बनावटी? मेरे पास हम बजाते 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, अगर दूध का दूध पानी, हम तो कहते हैं कि इस बात का विषय है। आप बताइए कि आप 15 पिछले जो है लोग भी बने, उन्होंने ठीक है, लोग कह सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, तो आपको मौका दिया, तो मौका दिया तो मैंने जो उन सवालों को, जो सदन का फोरम है जहां मुझे भेजा गया था, एक एक बिंदु को रखने का काम किया है। हम सरकार में नहीं थे, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में 12 महीने के बाद, और उन सवालों को बाखूबी रखा है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना सरकार का काम है, और ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस ये शहर का, इस आरा के जनपद पर कोई आदमी अगर कुछ काम किया है तो आदरणीय जन जन का नेता लालू यादव ने किया है। अभी यूनिवर्सिटी बनती है, अभी शहर में पढ़ते हैं रहे होंगे, क्या जो स्टूडेंट है यहाँ बैठे हुए पुराने साथी हैं, मगध यूनिवर्सिटी में जाते थे, अब प्लेटफॉर्म पर सोते थे, 50 रुपया देते थे मदन जी, और तब इनका सर्टिफिकेट निकलता था, उसको आज कुंवर यूनिवर्सिटी देने का काम आदरणीय लालू यादव ने किया। यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था,
यूपीए 1 की गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल स्कूल बनता है, जो आज ओवरब्रिज नजर आ रहा है वो आदरणीय लालू यादव को 52 ओवरब्रिज दिए हैं। आपको यहाँ मंत्री थे नीतीश कुमार जी, रेल मंत्री थे, बशीष बाबू चेयरमैन थे, एक बॉल नहीं लगा था उस जो है रेलवे का जीर्णोद्धार करने वाला लालू यादव के जो अपने रेल मंत्री काल में करते हैं। कस्तूरबा गांधी बनती है वो कौन किया, तमाम बिंदुओं को उन्होंने छूने का, आज सत्ता में आने का 12 महीने के बाद मेडिकल कॉलेज दिया, आज तक धरातल में पर नहीं उतरा वो, उसका शिलान्यास कभी कोई करा जगदीशपुर होगा, कभी कहता यहाँ होगा, कभी कहता वहाँ होगा, और धरारा में धनुपुरा में मेडिकल कॉलेज के लिए किसान अपना रजिस्ट्री कर चुका है, अपनी जमीन दे चुका है, लेकिन उसको ईगो की लड़ाई चल रही है। कोई कहते कि बक्सर जाएगा, कोई कहेगा यहाँ जाएगा। आरा के जनपद की एक मांग थी, दो मांग तो यहाँ के लोगों ने पूरा किया, आदरणीय नेता ने यूनिवर्सिटी के मामले को पूरा किया, आरा ससराम रेल लाइन दिया, आपको कस्तूरबा गांधी दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट दिया। आपसे हम लोग तो लगातार सदन में मांग किए हैं, हर फोरम पर मांग किए हैं कि आरा को कमिश्नरी बना दीजिए, ताकि यहाँ के लोग जो व्यापारी हैं, तमाम व्यापारी वर्ग का जो आमदनी बढ़ेगा, लोग बाहर से आएंगे, और आने के बाद यहाँ जो हेडक्वार्टर जब बनेगा तो यहाँ का विकास भी होगा, चकाचौंध होगा। तो आपने तो जो है कमिश्नरी तक की बात नहीं किया, अभी देख रहे होंगे कि कहीं कहीं हम लोग को आमंत्रित किया जाता है शिलान्यास में, जी जी, उद्घाटन में, कब का, 2010 का जो है योजना पूरा हुआ है, जल नल योजना जो मुखिया को करना चाहिए, वार्डर को करना चाहिए, मुख्यमंत्री वहाँ से उद्घाटन कर रहे हैं। मेरे यहाँ का भकुरा में जो है बिजली का सब स्टेशन जो है उद्घाटन बन के तैयार हुआ, 2 साल हो गया, अभी उद्घाटन कर रहे हैं, अभी ANM जगदीशपुर में होने जा रहा है, और हमको कल मिला है कि आप आइए, हम कहे कौन चीज़ में आवें, तो 2 साल पहले गया उसको बन के तैयार, अब उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो दुनिया को भरमा रहे हैं ये भरमाने की जरूरत नहीं है। आपने जो लॉकडाउन में, अगर अनवर आलम जो है बिहार का पहला विधायक होगा जो 22 तारीख को लॉकडाउन होता है तालाबंदी है, और उसके बाद 23 से लागू होता है, हम फेसबुक के माध्यम से अपने लोगों का पीड़ा देखते रहे, 27 तारीख से जनता के बीच में उतरे, मेरे भी बच्चे रो रहे हैं, देखा है, और हमारे चैनल पर खबर भी चली है जी, कि आप जनता के बीच पहुंच के गरीबों के और एक एक लोगों के, चाहे लॉकडाउन में 27 मार्च से निकले हो, चाहे बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, चाहे आरक में डूबने का मामला हो, चाहे कोई बच्चा जो है मरा हो, और किसी की बेवा जो है मिस्किन के लिए कहीं पर, अगर सदर अस्पताल में सबसे पहले कोई पोस्टमार्टम भी कराने का मामला हो, तो अनवर आलम सबसे पहले पहुंचा है, इसलिए एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में काम किया हमने। सर, इस बार के चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मेरा, हाँ, RJD पार्टी का इस बार चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या है कि जिसके बेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा पहला मुद्दा है बेरोजगारी जी, नौजवान को रोजगार दीजिए। अगर आपके सरकार बनती है तो आपके, आप किस तरीके से रोजगार देंगे लोगों को, आपने इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट मेरे तैयार किया? मेरे नेता ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और बजाता लोगों को जो ID अपना दिए हुए हैं, उससे जो आप लोग, हम सरकार में आएंगे तो इतने लोगों को नौकरी देंगे, तमाम विभाग में रोजगार जो है, नौकरी जो है खाली है, वैकेंट है, पूरा चले जाइए। कलेक्ट्रेट का जो है कभी वैकेंसी चपरासी तक की नहीं हुई, कलर की नहीं हुई, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो हम लोग बहाल किए थे यूनिवर्सिटी कमीशन से, आज तक बहाली नहीं एक भी हुई, सारी जगह बहाली। इवन कि आपको बता दें, आपको जान के ताजुब होगा, मैंने सदन में माननीय मंत्री मंगल पांडे से कहा कि मेरे यहाँ का लोग एक्सीडेंट करता है तो न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन नहीं रहने से वो पटना रेफर होता है, हैं, एक वो विकास जी हैं, वो हैं मामला, दूसरे डॉक्टर आ वही चीरफाड़ करते हैं। तो आप बताइए कि न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन कम से कम दे दीजिए, लेकिन माननीय मंत्री का जवाब सुनेंगे, वो कहते हैं विधायक जी आप किसी डॉक्टर को दीजिए ना। सर, हम कहा कि सरकार में आप हमसे मांग रहे हैं डॉक्टर, हम कहाँ खोजते चलेंगे, एडवर्टीजमेंट निकालिए। तो जो आदमी न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन यहाँ नहीं दे पाया, जो आदमी यहाँ के परसों वार्ड में महिला डॉक्टर नहीं दे पाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जीर्णोद्धार सदर अस्पताल का माननीय मुख्यमंत्री यहीं 30/1/2017 को विद्या भवन में उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था, दुनिया में कहीं भी चले जाइए सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड फ्रंट लाइन में रहता है, और वो जो है बैठक में उन्होंने आदेश दिया था यहाँ के प्रधान सचिव को, और वो आज तक जो है फ्रंट लाइन में जो है आपको इमरजेंसी वार्ड नहीं हुआ, पानी में इतना डूबता है,
कैसे डॉक्टर करेगा ड्यूटी? लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है और हर बुधवार को वो जनता के साथ संवाद भी कर रहे हैं और अपने 5 साल के जो भी कार्यकाल है उसकी खूबियां गिना रहे हैं, हमने ये किया ये किया। वो एक काम किया, हम भी सदन में रहे, सदन में नहीं होते तो एक बात थी, जोड़ तोड़ की राजनीति जानते हैं बहुत अच्छा, समझे? उनका दिन भर में टाइम यही में बीतता रहा कि कैसे किसी विधायक को तोड़ा जाए, किस पे पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे मिलाया जाए, जोड़ तोड़ से अपना कुर्सी चला रहे हैं। कभी दुनिया में ऐसे हम उनका फुटेज दिखा दें, हम लोग सदन में मौजूद थे, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा आपके साथ, कहाँ चले गए सदन में से चुप हट के। तो उनका फुटेज एक एक चीज़ को आप लाया जाएगा तो हमको भगवान मालिक है, उसका इतना बड़ा नेता इतना झूठ, मैंने कोई कहानी और कथनी में मामले नहीं बन रहा, कैसे मामला जाए? 5 ऑफिसर हैं बिहार के, 5 ऑफिसर हैं जो इस जो है बिहार को चला रहे हैं, एक एक विभाग के 5 पद में जो प्रधान सचिव हैं। आप बताइए प्रधान सचिव एक 5 विभाग में रहेगा, वो कभी ऑफिस में जाता होगा? कभी काम नहीं होता होगा। कारण है यहाँ नहीं होने का, मंत्री तो असहाय है मेरे, हमसे यहाँ का नगर विकास मंत्री पायक जो लास्ट सेशन चला उसमें हमने सवाल जब दागा कि माननीय मंत्री जी हमारे नगर निगम का कब पैसा जाएगा, सीसमल चौक से दरारा का कब बनेगा, कह रहा कि हमको झूठों का ना बोलते हैं, मेरा प्रधान महासचिव प्रधान सचिव जो है ना बातें नहीं मानता है, नगर आयोग बात नहीं बता, जिस विभाग का नगर निगम का मंत्री कह रहा हो कि मेरा बात नहीं मानता हो, आप इससे कब समझते हैं? विकास के जितने मामले में आप किसी भी ऑन रिकॉर्ड चले जाइए और किसी मंत्री को लगाइए, अगर उसका प्रधान महासचिव प्रधान सचिव बात मानता हो तो हम गुलामी लिख देंगे, सुने होंगे श्याम रजक जी का बयान। ये पूरी तरह सिस्टम फेल हो चुका है, इनके कथनी आप बताइए कि मजदूर पलायन करता है, रास्ते में दम तोड़ देता है, चलते चलते थक मर जाता है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, उसकी चर्चा आप लोग को मीडिया के माध्यम से होनी चाहिए। तो आप चर्चा किसका चल रहा है, तो हीरो हीरोइन का चल रहा है, चर्चा किसका चल रहा है, किसी का चल रहा है। अरे भैया जिसका चर्चा चलना चाहिए वो नहीं हो रहा है, असल चर्चा चलनी चाहिए जो गरीब मरा मजदूर, जो भूखे हैं, बेसहाय हैं। हम लोग ये इस समय में देखे थे लॉकडाउन में, मध्यम वर्ग सबसे परेशान था, ऐसी माँ बहने हम आंसू आ गया है, हम उन लोगों का वेदना नहीं कर सकते। रात के 9 बजे एक बच्चा टेलीफोन करता है, अंकल हम लोग 2 दिन से फूड़ी और जो है पानी खा रहे हैं, आप बताइए, एक तरफ पीठ ठोक रहे हैं विकास विकास, और वो हालत थी कि उस रात के 9 बजे हम जो है बच्चे के यहाँ अपना जो सामान लेकर अपने बैग बैगेज से साथ पहुँचते हैं और उसको बच्चे को बुला के थैला लेके 10 बजे रात में रोड पर खड़ा है, आप उसकी वेदना समझेंगे? हम लोग रो रो दिए हैं, इसलिए हमने जो है अपनी ईमानदारी के साथ जो सेवा किया है वो जनता ऊपर वाला भगवान भी देख रहा है। और जहाँ तक मामला बनता है, हम ये अपनी योजना की शुरुआत ही किए हैं इसलिए कि हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब जो है दुख की घड़ी में होते हैं तो पहले जो है अपने बाप माँ के कब्रिस्तान की ज्यारत करते हैं, वहाँ जाते हैं दुआ करने के लिए। क्यों? इसलिए जाते हैं कि हमको वहाँ कम से कम ये बात का खौफ हो, डर हो कि हम मरने के बाद यहीं आना है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि मुक्तिधाम से डर रहे होंगे, हम जब मुक्तिधाम में पहुँचते हैं एक बच्चे की लाश जलती है, उसके पास जलाने का पैसा नहीं होता और उसको पैसा देने के बाद हा पानी गिरता है, पूछे कि यहाँ कोई ठहरने की जगह नहीं है, तो कहा सब कि यहाँ लोग डरे नहीं बनाता कि ये मुक्ति धाम में आ जाए। हम कहा कि हम इसी में आना पसंद करते हैं और मेरी विधायक की सबसे पहले राशि वहीं से शुरू हुई है, मुक्ति धाम में सेठ चबूतरा और सेठ, वहाँ का जो है लाइट, वहाँ का पानी, और वहाँ से शुरू किए हैं। इसलिए अपने क्षेत्रों में चाहे छठ घाट का मामला हो, चाहे कम से कम 10 से 15 छठ घाट हमने बनाया, 10 से 12 कला मंच बनाया, कम से कम 20 जो है सामुदायिक भवन बनाए, RWD की जो है कम से कम 27 से 30 रोड बनवाने का काम किया, PWD की जितनी रोड है उसको हम जो है टेक ओवर, बिहार में 3 रोड PWD में टेक ओवर होती है, उसमें 1 PWD की टेक ओवर होती है बिहार में अगर तो भोजपुर का होता है, वो अनवर आलम का होता है, सिंडिकेट मोड़ से मारुति नगर होते हुए छोटकी सिंघी तक, और वो पुल 7.5 करोड़ की लागत से बलबतरा पुल तैयार होता है, वो रोड भी बन जाता है 3 करोड़ की लागत से। और यही नहीं किया हमने, जमीरा में सदर आपका सब स्टेशन हॉस्पिटल आज जो हम गए हैं, आज पठानपुर जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र का जीर्णोद्धार करके आ रहे हैं,
इसलिए किया कि ज्वलंत समस्या है ये जो है स्वास्थ्य शिक्षा, कम से कम 200 स्कूलों का जीर्णोद्धार किए, सब स्कूलों में बच्चों के जो है, आप कोसी दुलारपुर में बैठने का फर्श नहीं था वहाँ हमने बिल्डिंग बनाया, जमीरा गांव में बनाया, आपको लक्ष्मणपुर में बनाया, लक्ष्मणपुर गांव में पुस्तकालय भवन बनाया, बैडमिंटन क्लब आज तक कोई देखने का नाम नहीं लिया था, बैडमिंटन क्लब को बनाने का काम किया, जगदेव बाबू जो लोगों की आस्था है 90% लोग उनमें आस्था रखते हैं, जगदेव बाबू की मूर्ति नाले में जो है थी, वहाँ एक जगदेव बाबू के नाम पर सामुदायिक भवन बनाए, अभी जो है किस चेतना परिषद को बनाया, भलीपुर दलान जो है आज तक जो आज़ादी के बाद कोई नहीं छुआ था, भलीपुर दलान को बनाने का काम किया, आपको जरासंघ भवन जो है आज तक कोई छुआ नहीं था, अनवर आलम ने जरासंघ भवन को भी बनाने का काम किया, जो मेरे संज्ञान में आया, जो आरा की धरोहर चीज थी उस धरोहर चीज को हमने पूरा करने का काम किया है। और आपको इस चैनल के माध्यम से बता दें कि हम आने वाले समय में अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, जीवन भर कोई विधायक नहीं रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा विधायक बन के रहने की भी इच्छा नहीं है, हम लेकिन मेरा एक लक्ष्य है, मेरा जो अधूरा सपना है, अगर एक बार मौका जनता देगी तो आरा के कम से कम नगर निगम को तो जरूर सुधार देंगे, ये मेरा वादा है। नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है उसको एक क्षण चलने नहीं देंगे। सारा वार्ड कमिश्नर तरह इमाम है, वहाँ वार्ड कमिश्नर बेचारा बना हुआ है, उन लोग की योजना चिन्हित नहीं होती है, दो चार बंदे बैठते हैं वो सारा योजना चला जाता, ये चलने नहीं देंगे हम। हम लोग सदन में मांग किए कि नगर निगम के मेयर का चुनाव डायरेक्ट करो, अगर नगर निगम का मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा तो कोई आरा को विकास से रोक नहीं सकता है, इसलिए कि सारा विकास का केंद्र बिंदु नगर निगम जो है में निहित है, वहाँ पावर एकदम सेंट्रलाइज है, और जब तक मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग नहीं होंगे वो नहीं बन सकता है, इसलिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत। लेकिन सर आज के डेट में आप आरजेडी को कहाँ पाते हैं, क्योंकि वहाँ गठबंधन की सरकार रही है, उधर जीताराम मांझी जो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक होते थे वो छोड़ के चले गए, रघुवंश प्रसाद सिंह बीच में छोड़ के चले गए, और तो इस वजह से अगर इस पार्टी में इतनी टूट हो रही है तो आप इस पार्टी को कहाँ देखते हैं, लगता है कि लोग इस बार भी आरजेडी को वोट देंगे? आपको जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि आरजेडी गठबंधन में जीते लगभग 81 विधायक, दो चार विधायक जो गए वो पहले से ही सदन में अलग बैठते थे, उनकी मंशा नहीं थी, हो सकता है वो अलायंस में वहाँ जो सीट का हिसाब होगा अपना नहीं रहना चाहते। अब देख फातमी साहब हैं तो फातमी साहब का बच्चा पहले से ही जो है ना भाई फातमी साहब गए तो वो भी जाएंगे, महेश्वर चौधरी जो है ना महेश्वर चौधरी यादव जो है ना पहले से वहाँ चाहिए थे, रामलखन बाबू के पोते पहले से थे। लेकिन आपको ये बात जान लीजिए कि तमाम माननीय सदस्य, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम माननीय सदस्य जो है विधायक को सैल्यूट करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी सब माननीय विधायक को चाह रहे थे कि जब भाजपा में चले गए तो वहाँ उनको बेचैनी था, तो बेचैनी था तो चाहते थे कि हम कांग्रेस और राजद के लोग को मिलाकर सरकार बनाए, लेकिन भाई तेजस्वी इसके लिए एक्सेप्ट नहीं हुए कि आप विश्वास करने लायक नहीं है, तो दल के विधायकों को बहुत सारी प्रलोभन दिए लेकिन एक भी विधायक कहीं इधर से उधर नहीं हुआ। वो सामाजिक न्याय के आदरणीय लालू यादव के बागीचे के लालटेन के तहत जीता था और जो गठबंधन के लोगों ने जिताया था उस पर भरोसा करके कहीं इधर उधर नहीं गया। तो आप बताइए कि वो साहस वो शक्ति जब प्रेरणा है तो राष्ट्रीय जनता दल सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल अपने गठबंधन साथी की भूमिका भी निभाना चाहता है, दोस्तों के साथ दोस्ती भी निभाना चाहता है, और मुझे आशा है कि जो लोग गठबंधन में हैं सब चीज से ऊपर उठ के जब राजद त्यागने को, राजद के पास 247 चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट बैठे हुए हैं, राजद के लोगों से लेकर लोग चुनाव लड़ता है वो पता है कि नहीं, जदयू जो है राजद की बी टीम है, जितने विधायक वहां नजर आएंगे सब राजद से ही जाके वहां बने हैं, लालू यादव के फैक्ट्री से निकल के वहां नेता बने हैं, तो राजद के पास तो फैक्ट्री का भरमार है। अनवर आलम क्या है, अनवर आलम के विधायक बन गए तो बहुत बड़ा नेता नहीं, अनवर आलम के पीछे लगा लाखों विधायक खड़ा है वर्कर, इसलिए ही भ्रम में हम नहीं रहे हैं कि हम लोग विधायक हो गए तो बहुत बड़े नेता हो गए, आदरणीय नेता का लालटेन हाथ में है सब लोग उसके साथ है, इसलिए
नेता ने सब कुछ सेक्रीफाई किया है गठबंधन को साथ लेकर और पूरी मजबूती के साथ जो गठबंधन में अभी लोग हैं वो लोग सब एलायंस है और मजबूती के साथ। जीतनराम मांझी तो बेचारे पहले ही उधर से आए थे बैंक की तरफ फटक के, यहाँ थे कहाँ, और इनको हम लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन फिर जहाँ थे बेचारे चले, गार्जियन हम लोग के चले गए, तो उनको हम सैल्यूट भी करते हैं कि आप जहाँ थे वहाँ चले गए पुराने घर में, तब उसके लिए हम लोग दुखित क्यों रहे। लेकिन जो मेरा अलायंस पार्टनर है वो तमाम अलायंस पार्टनर एकजुट है और भाई तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। अब गांव में घूम लीजिए नेता का। मेरा सवाल सर इसलिए था ये कि इस बार का चुनाव बहुत मामलों में अलग है। पहले नेता राजनेता जो होते थे वो जनता के बीच पहुंचते थे और अब उन्होंने क्या किया है, जनता के सामने रैली करते थे, जनसभा करते थे, लेकिन इस बार डिजिटल मीडिया का टाइम है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। ऐसी कंडीशन में नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी तक के जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से उन्होंने उनके जो फेसबुक के पेज के जो फॉलोअर है 2,68,91,000 उनको व्यूज़ मिल चुके हैं और मई के मिड से उनके ये कंपेनिंग चल रही है और अभी तक उनके 310 उनके कार्यक्रम के वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें नीतीश कुमार ने क्या किया है 5 सालों में, जो जो उनके अच्छे काम रहे हैं उनकी उनका वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो जितने भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनके माध्यम से एक एक आदमी तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो उनकी इस जो डिजिटल मीडिया पर जो उनका फैलाव है बहुत ही ज़्यादा है, इस फैलाव के सामने आरजेडी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए जो डिजिटल जो माध्यम से फैलाव का जहाँ तक सवाल है, लोग सुनते हैं और उनकी बातों पर हंसते भी हैं। लालू यादव का संदेश जो है उनका लगातार एक एक लोग बहुत पैनी निगाह से कोई मोबाइल देखे या नहीं देखे तमाम जगह पर लोग इस बात से चिंतित थे कि जो मजदूरों का पलायन हुआ, मजदूर बेबस होकर जो है बैग ले लेके जो दिल्ली से चले, क्या वो मजदूर भूले हैं क्या? नोटबंदी में कितने लोगों की जान चल गई, क्या वो लोग भूले हैं क्या? किसान जो जो आत्महत्या कर लिया वो भूला है क्या? क्या वो इंदिरा आवास में जो लूट हुई उसको कोई भूला है क्या? कोई जो है आपको जन वितरण की दुकानों में जो लूट मची उसको कोई भूला है क्या? कोई जो है शौचालय में 2,000 रुपये ले गए उसको भूला है क्या? जल निधि योजनाओं में जो लूट हुई है गाँव का एक एक आदमी जिसको आप मूर्ख समझ रहे हैं, डिजिटल सब फेल हो जाएगा, सारा फेल हो जाएगा इनका। आप घूमना है तो आप मीडिया के चौथा स्तंभ हैं, आप लोग एक एक जगह गांव में सर्वे करिए, आपसे ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा वो लोग जान रहा है और इनके जो है गांव में जो विजुअल कर रहा है वीडियो चल रहा है उसका लोग मजाक उड़ा रहा है। लोग कह रहा है कि अब इसको जैसे अंतिम सांस में जो नहीं भकभका था तो भकभका रहे हैं और इनका मामला दूसरा कोई नहीं करेगा, भाजपा भी लगी हुई है, देख रहे होंगे चिराग पासवान भाई जो है लगा हुआ है और जितना उन पर दाग रहा है रैकेट तो दाग रहा अपने से नहीं जा रहा, अमित शाह दगवा रहे हैं, तो पता चलेगा कि ऐसा हमारे रॉकेट चलेगा ना कि कहाँ फेंकाएंगे पता भी नहीं चलेगा, इसलिए कि वो दूर दूर तक उनको नहीं रखने वाला है। वो अलायंस सिर्फ अपने स्वार्थ में चल रहा है, दोनों का स्वार्थ चल रहा है, कहीं नीतीश कुमार पलटैया मार के फिर मत भाग गया राजद में, नहीं समझे, बस यही चल रहा है। और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। वो चिराग पासवान जो बोल रहा है वो अपनी बात नहीं बोल रहा है, चिराग पासवान का मतलब अमित शाह बोल रहे हैं, चिराग पासवान का मतलब जो है आपको उस पार्टी का शीर्ष नेता मोदी बोल रहे हैं, चिराग पासवान कौन है? सारा चीज वो खेल चल रहा अंदर अंदर और आपके सामने आईना आ जाएगा, नीतीश कुमार पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, राजनीति में कुछ रह ही नहीं गया उनका। इसलिए ईमानदारी के साथ भाई तेजस्वी जो लगे हैं और उन्होंने जो A to Z का नारा दिया है वो तमाम अमली जामा पहना रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपने रघुवंश बाबू की भी चर्चा कर दिया, बड़ा अच्छा बात बोल दिया, हम उसको जानते हैं बड़ा नज़दीक से, इसलिए कि हम 90 से पार्टी का काम कर रहे हैं और एक एक बिंदु को हम पाले हम जो है जानते हैं। रघुवंश बाबू समाजवादी नेता थे और जीवन के अंतिम क्षण में जो आदमी वेंटिलेटर पर हो, ICU में हो, वो आदमी लेटर लिख पाएगा क्या? मेरे मुंह में लगा दिया गया जा भी वेंटिलेटर का ऑक्सीजन ले रहे हम लिखा हुआ लेटर नहीं, बिल्कुल नहीं, सत से परे नहीं है। पहले ही
उनके लड़के से बार्गेनिंग हो चुकी है कि आपको एमएलसी बनाएंगे, वो व्याकुल भारत है वो, और इसलिए वो झूठा जो है तरीके से उस लेटर को किया गया। दूर दूर तक उन लोग उस लेटर से उनका कोई मतलब नहीं। कभी भी रघुवंश बाबू समाजवादी आंदोलन के निकले हुए आदमी उन लोग के कहाँ पीछे जा सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। आप उस लेटर को, तीन चार लेटर है, उसको मूल्यांकन करके देख लीजिए। कभी आप मीडिया के साथी हैं, आप उसको निकलवाइए और प्रिंटिंग को देख लीजिए। दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचा होगा ये लोग काम किए होंगे। रघुवंश बाबू मजबूत स्तंभ थे, आरजेडी के गार्जियन थे, और आगे भी उनके प्रति पूरा राजद परिवार एकजुट खड़ा है। सर मेरा अगला सवाल है कि इस बार सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक और कैंडिडेट खड़ा है जिसका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है प्लूरल। और मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, बहुत सारे राजनेता हैं जो जिनसे मैंने उसके बारे में पूछा तो वो इसी तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सर हमें नहीं, ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की राजनीति में भी इसी तरीके का काम हुआ था। सब लोग बीजेपी बीजेपी कर रहे थे, पूरी सब जगह चुनाव प्रचार चल रहा था, केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन उस समय जब रिजल्ट सामने आया तो आम आदमी पार्टी 67 सीटों के साथ आगे थी, जीत चुकी थी। तो ऐसे में क्योंकि वो जो पुष्पम प्रिया चौधरी जो है उनके पास विकास का ब्लूप्रिंट है, जो मैंने अब तक की रिपोर्टिंग में देखा है, वो जिस भी क्षेत्र में जाती हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में गई, सिवान में गई, मढ़ौरा में गई, मढ़ौरा में दो दो फैक्ट्रियाँ थी, बॉटन चॉकलेट यहाँ बना कर दी थी, वो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गया, और ये सब सारे 15 साल के अंदर बंद हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये फैक्ट्री खुल जाता है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोज़गार तो यहीं से आ जाएगा। उनके पास एजेंडा है, उनका ब्लूप्रिंट रेडी है, सबका शासन की वो बात करती हैं, उनसे आप लोगों को कितनी चुनौती है? विकास की आप जो ने बात कहा, रोजगार की बात किया, इस बिहार के सूबे में कोई माई का लाल ने अगर कुछ काम किया है, पांच पद जो है फैक्ट्री रेल मंत्री बनने के बाद आदरणीय लालू यादव ने मढ़ौरा जो है कारखाना खोला है, आपको पांच पद कारखाना खोलने का काम किया, पांच पद छः छः यूनिवर्सिटी देने का काम किया, इससे भी बड़ा विकास होता है क्या? इससे बड़ा कोई विजन नहीं होता है। और जो विकास का लगता है आपको जाल बिछा, पूरे सहार संदेश तमाम जगहों में रोड का कालीकरण हुआ, आदरणीय रघुवंश बाबू को लालू यादव ने मंत्री बनाया था, कैबिनेट ग्रामीण मंत्री, उन्हीं का देन था कि नक्सल प्रभावित तमाम क्षेत्र घोषित किए, और जिसका नतीजा है कि पूरी रोड चकाचक नजर आ रही है पूरे बिहार की। ये आदरणीय जो है यूपी वन की का कमाल है। और वैसे कमाल में आदरणीय नेता के पास विजन है, आज विजन नहीं होता तो आप देखते होंगे पुल छपरा पुल बना ना जी, 52 ओवर ब्रिज बना था रेल का, कोई आज तक रेल मंत्री इस तरह का 52 ओवर ब्रिज, आरओबी अभी जो भी कंप्लीट होने जा रहा तमाम लालू यादव का किया हुआ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसका। तो ऐसे विजन को लेकर चलने हुआ, उसका लड़का तेजस्वी यादव जो तमाम विजन को जानता है, एक एक विजन उसका सपना है विकास, उसकी सोच है विकास, और उसके सामने मुझे नहीं लगता कि मैं भी 30 साल की राजनीतिक जीवन में रहा, बहुत कम समय में भाई तेजस्वी ने जिस तरह से सदन की गरिमा को बढ़ाया, सदन में प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखा, हमें लगता है कि आने वाला मुख्यमंत्री बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। सर इस बार अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? तीन चार ऐसी बातें जिसपे आपको लगता है कि सबसे पहले आपको यही काम करना है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी आरा सदर अस्पताल को एक सुंदर अस्पताल बनाना। मेरी पहली दूसरी प्राथमिकता होगी आरा के जल जमाव की स्थिति, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 167 करोड़ का जो DPR बन के रखा हुआ है नगर निगम में, वो जो है नौ उठफल नाले को जो है अमली जामा पहनाना, ताकि यहाँ जल जमाव की स्थिति से दूर हो। तीसरा मेरा सपना है कि आरा की जितनी भी नगर निगम की रोड है वो मैं जो है तमाम रोडों को, मेन रोडों को PWD में जो है अधिग्रहण कराना, ये जो है सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या उससे निजात होगा तो आरा एक सुंदर शहर बनेगा, सुंदर और स्वच्छ बनेगा। इस सपने को लेकर मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब रहा सवाल कि ये जाम की जो समस्या होती है, सबसे बड़ा समस्या जाम की समस्या के लिए
मेरे सदन में लगातार मुख्यमंत्री के बाद तमाम जगह चंदवा से लेकर धरारा तक, मैंने चंदवा जो है मोड़ से और गांगी पुल होते हुए आपको धरारा लक तक ये जो है हम लोगों ने डीपीआर बनवाया था कि बाहर बाहर जो लोग हेठार के आने वाले हैं, जो बक्सर जाने वाले हैं, तो इस मेन टाउन में क्यों घुसेंगे, वहीं से सीधा जो है होते हुए चंदवा जो है निकलेंगे। तो उस रोड का डीपीआर भी बना हुआ है जिसमें आप यहाँ के इंटरेस्टेड डॉक्टर हैं डॉक्टर भरत प्रसाद, जो पटना के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थो डॉक्टर हैं, वो हमसे आके कहे थे कि अनवर जी इसमें आप लगे हुए हैं, थोड़ा हम भी मदद आपको करना चाहते हैं। हम कहा सर ये बहुत अहोभाग होगा, और लगातार उस पर हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन ये सरकार उसमें पैसा नहीं दिया। ये पैसा किसमें दिया, 10,000 करोड़ की लागत से बनता है म्यूजियम पटना का, जिसमें भूत लुट रहा है, जिसमें एक्सपर्ट म्यूजियम में आदमी नहीं है, और बेली रोड जो इतना पोस्ट जगह है जहां मल्टीनेशनल एक कॉम्प्लेक्स बनाकर लाखों को रोजगार मिल सकता था, उसको नहीं बनाया। आपको अभी बना है पटेल भवन पुलिस का, उसमें जाइए अब ये चू रहा है करोड़ों की लागत से, 10,000 उस भी करोड़ की लागत से बना के, हेलीकॉप्टर ऊपर से आएगा तो उतरेगा, आप बताइए उसकी क्या आवश्यकता थी। बापू आश्रम जो बना है इसलिए बना कि माननीय आरसीपी सिन्हा के माध्यम से 20% ले लिया गया, अहलुवालिया कंपनी को दे दिया गया, और बगल में पुनाई चेक पानी से डूब रहा है, मेरा डेरा पानी में डूब रहा है, मेरे सामने कमिश्नर का डेरा डूब रहा है, उसमें पैसा जो है नाला के लिए पैसा नहीं है इनके पास। कोई है सपना, पहला हिंदुस्तान के इतिहास में पहला होगा ना कि पटना शहर डूब गया जी। और जिसमें माननीय मोदी जी हाफ पैंट पहन के बैग लेके उनको डीएम जो है वहां से ही करके लाता है राजेंद्र नगर पुल पर, हम सदन में बोले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी, अब मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए कि नगर आपका कौन विकास हुआ, कि आप 30 साल तक एमएलए रहे, विपक्ष के नेता रहे, लगातार मंत्री रहे, और आपके ही विभाग में आपके मंत्री काल में आपके पार्टी को हमेशा मिलता रहा विभाग नगर निगम, आपको क्यों हाफ पैंट पहनना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हाफ पैंट पहन के आए थे गुजरात से, फिर गुजरात बाद चले जा रहे हैं हाफ पैंट लिए बैग लिए हुए। इस सदन के प्रोसीडिंग में हमने बोला है मुख्यमंत्री के सामने और डिप्टी सीएम के सामने, हम इसलिए पीड़ा से बोले कि मेरे आरा के जो जलन समस्या थी 167 करोड़ का पैसा क्यों नहीं दिया, मेरी रोड जो सीसमल चौक से दरारा क्यों नहीं बना 1 करोड़ की, आरा में तमाम जो है ना रोड की जर्जर स्थिति है उसको क्यों नहीं बना रहे हैं। इस पीड़ा से हम इस तरह की बातों को बोलने का मौका मिला और सदन में बोले हैं ये प्रोसीडिंग का सवाल है। इसलिए हमने मजबूती के साथ शहर के तमाम चीजों को छुआ है, और हम जनता से जो बड़ी जनता मालिक है, विधायक बनना आना जाना लगा हुआ है, लेकिन मैंने एक बेटा और भाई बन के ईमानदारी से काम किया है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आरा को एक सुंदर शहर, अपराध मुक्त, भूमि माफियाओं से मुक्ति, समझे, और यहाँ तमाम जो नगर निगम की तमाम जो समस्याएं हैं, जो जल जमाव की, रोड की, अस्पताल की, इन समस्याओं के लिए मैं अंतिम दिन तक वो लड़ता रहूँगा, और वही काम को कराना मेरा अंतिम संकल्प है, और मुझे आशा है कि मेरी डिक्शनरी में नाच शब्द कभी नहीं रहा। इसलिए मैं निश्चित रूप से अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो इन तमाम जो है सवालों को, जो जनता का सवाल है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। इससे पहले कि सर खत्म करें, आप भोजपुर के जनता के लिए और आपके जितने चाहने वाले उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तमाम अपने आरा के जनपद के लोगों को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि हमें आपने सेवा करने का मौका दिया था, और मैंने आप एक कार्यकर्ता और एक भाई बनकर आपकी सेवा किया है, चाहे आपके श्राद्ध में हो, छठी में हो, दुख में हो, सुख में हो, और विकास के तमाम फोरम पर हमने आपके सवालों को रखने का काम किया है। आने वाले समय में जो चुनाव है निश्चित रूप से आप इसका मूल्यांकन करेंगे, और मैंने कर्म को आगे रखा है, इसलिए कर्म को देखते हुए आप एक बार अगर हमें मौका देंगे तो निश्चित रूप से आरा शहर को एक सुंदर, स्वच्छ
और एक अच्छे वातावरण में जीने का मौका जरूर उपलब्ध कराएंगे। ये थे आरा के विधायक डॉक्टर अनवर आलम भैया, जो जिनके बारे में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब कोरोना काल चल रहा था तो ये गरीबों का मसीहा बनकर सामने आए थे, और इस बार भी ये जनता से अपील कर रहे हैं, और IBN9.live भी इनको शुभकामनाएं दे रहा है और आपसे अपील करता है कि इस बार इनको एक और मौका देना चाहिए ताकि इनके जो अधूरे सपने हैं वो पूरा हो सके। कैमरामैन W कुमार के साथ रोशन कुमार, IBN9.live।